जहां जहां चरण पवे गौतम के। बाय टिक न्याथन। चैप्टर एक, विचरते विचरते। हरित वास वृक्ष के नीचे युवा भिक्षु स्वास्थ्य पालथी मारे बैठा था और अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह वेणुवन बिहार में एक घंटे से अधिक समय से ध्यान साधना कर रहा था, जबकि अन्य सैकड़ों भिक्षु वास के वृक्षों के नीचे अपनी फूस की कुटियाओं में बैठे साधना कर रहे थे। महान गुरु गौतम, जिन्हें लोग प्रेम और श्रद्धावश बुद्ध कहते थे, इस बिहार में 400 भिक्षु शिष्यों के साथ निवास करते थे। यद्यपि यहाँ निवासियों की संख्या अधिक थी, किंतु वातावरण बहुत शांत था। बिहार का क्षेत्रफल 40 एकड़ था और यहाँ वास की नाना जाति प्रजातियों के वृक्ष लगे थे, जो मगध राज्य में जगत जगह जगह से लाकर यहाँ लगाए गए थे। यह बिहार मगध की राजधानी राजगढ़ से इतनी सी दूर था कि यहाँ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता था। 7 वर्ष पहले राजा बिम्बिसार ने यह बिहार बुद्ध एक संघ को दान में दिया था। स्वासी ने अपनी आंखें मली और मुस्कुराया। उसकी टांगें अब भी मोई हुई थी, जिन्हें उसने धीरे धीरे खोला। इस 21 वर्षीय युवा को मान्य सारिपुत्र ने, जो बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य, 3 दिन पहले ही प्रवज्ञा दी थी। प्रवज्ञा समारोह के समय स्वास्थ्य के सघन सुनहरे बाल उस तरह से मोह दिए गए थे। बुद्ध के भिक्षु समुदाय संघ का अंग बनकर स्वास्थ्य अत्यंत प्रसन्न था। बहुत से भिक्षु उच्च घरानों में जन्मे हुए व्यक्ति थे, यथा बुद्ध के भाई नंद, देवदत्त, अनिरुद्ध और आनंद। यद्यपि सभी अभी स्वास्थ्य का इनके साथ परिचय नहीं कराया गया था, स्वास्थ्य ने इन्हें दूर से ही देखा भाता, इसलिए प्रयोग से बदरंग हुए चीवर धारण किए हुए होने पर भी इनका अभिजात्य निश्चित रूप से झलकता था। ऐसे ऊंचे घरानों के लोगों का मित्र बनने में तो मुझे अभी पर्याप्त समय लगेगा, ऐसा स्वास्थ्य ने सोचा। लेकिन राजा के पुत्र होने के बावजूद उसे स्वयं बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था। स्वास्थ्य अस्पृश्य था, जो समय भारत की जनता में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे वर्ण के लोगों से भी नीच जाति समझी जाती थी। पिछले 10 सालों से वह भैंसों का चरवाहा था और भैंसों की देखभाल करता था, किंतु अब 2 सप्ताह से वह सभी वर्णों के भिक्षुओं के साथ रह रहा था और ध्यान साधना कर रहा था। हर कोई उसके प्रति कृपा भाव प्रदर्शित करता, उसको नमन करता, किंतु वह स्वयं कभी अभी तक असहज था, सहज नहीं हो पा रहा था। उसे आशंका थी कि उसे पूर्णतया सहज होने में अभी बरसों लग जाएंगे। जैसे ही उसके मन में राहुल का विचार आया, आंतरिक उल्लास से परिपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बुद्ध के पुत्र राहुल की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी और वह 10 वर्ष की आयु से ही स्वामी के रूप में संघ में रह रहा था। 2 सप्ताहों में ही राहुल और स्वास्थ्य में गहरी मित्रता हो गई थी। राहुल ने ही स्वास्थ्य को सिखाया था कि ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करते हैं। राहुल यद्यपि अभी प्रवज्जित भिक्षु नहीं था, किंतु उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। प्रवज्ञाकरण प्राप्त करने के लिए अभी उसे तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक उसकी आयु 20 वर्ष तक नहीं हो जाती। स्वास्थ्य को 2 सप्ताह पूर्व के दिनों का स्मरण हो आया, जब गया के समीप स्थित उसके बेलगाम में बुद्ध पहुंचे थे और उसे भिक्षु बनने के लिए बुलाया था। जब बुद्ध उसके घर पर पहुंचे तो स्वास्थ्य अपने छोटे भाई रूपक के साथ भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था। उसकी 2 वर्षीय बाला और 12 वर्षीय भीमा घर में थी, 2 बहनें थी। बुद्ध को देखते ही बाला उन्हें तुरंत पहचान गई। वह स्वास्थ्य को ढूंढने के लिए बाहर की ओर झपटी ही थी कि बुद्ध ने उससे कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे साथ चल रहे भिक्षु, जिनमें राहुल भी था, नदी तक तक चले जाएंगे और उसके भाई को खोज लेंगे। तीसरे पहर वे 2 लोग नैरंजना नदी के तट पर आए, जहाँ स्वास्थ्य और रूपक भैंसों को वगर वगर कर नहला रहा था। बुद्ध को देखते ही दोनों युवक पानी में से निकलकर दौड़ते हुए नदी तट तक आए और करबद्ध प्रणाम करके उनके समक्ष प्रणत हुए। स्वास्थ्य और उसके भाई को देखकर बुद्ध ने सांस ने मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम इतने बड़े हो गए,
स्वास्थ्य अभाग था। बुद्ध का शांत मुखमंडल, उनकी स्नेहपूर्ण उदार मुस्कान और उनकी मन में भेदिनी तेजोमय दृष्टि देखकर स्वास्थ्य की आंखें छरछरा आईं। बुद्ध गैरिक चीवर धारण किए हुए थे, जिस पर धान के खेत की डिजाइन बनाते हुए कपड़े सिले हुए थे। वह अब भी नंगे पैर ही थे, जैसे कि आज से 10 वर्ष पहले जब वह उसे इसी स्थान के आसपास मिले थे। 10 वर्ष पहले इसी नारंजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे उसने घंटों बुद्ध के साथ बिताए थे। बोधि वृक्ष पीपल वहां से बस इतनी ही दूर था कि नदी तट से वहां तक 10 मिनट पहुंचा जा सकता था। बुद्ध के पीछे खड़े 20 भिक्षु भी नंगे पैर थे और धान के खेतों की डिजाइन वाले गैरिक चीवर धारण किए हुए थे। अधिक ध्यान से देखने पर स्वास्थ्य ने पाया कि बुद्ध का चीवर अन्य भिक्षुओं के चीवरों से एक हाथ अधिक लंबा था। बुद्ध के साथ ही स्वास्थ्य की ही आयु का एक साम्य खड़ा था, जो सीधे उसी ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने अपने स्नेहपूर्ण हाथ स्वास्थ्य और रूबक के सिर पर रखे और बताया कि वह राजगढ़ जाते हुए यहाँ जान बूझ कर रुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम भैंसों को नहला लो, इसके बाद हम सब स्वास्थ्य की झोपड़ी तक साथ साथ ही चलेंगे। वापस आते समय बुद्ध ने स्वास्थ्य और रूपक का परिचय अपने पुत्र राहुल से कराया, जो अभी तक स्वास्थ्य की ओर मोहक मुस्कान के साथ देख रहा था। राहुल स्वास्थ्य से आयु में 3 वर्ष छोटा था, किंतु दोनों का कद एक बराबर था। साम्य होते हुए भी राहुल के बस भिक्षुओं के जैसे ही थे। राहुल ने अपना भिक्षा पात्र रूपक को पकवा दिया था और स्वास्थ्य एक रूपक के रूप में एवं रूपक के बीच में दोनों नए मित्रों के कंधों पर प्रेम पूर्वक हाथ रखे हुए चल रहा था। उसने अपने पिता के श्रीमुख से स्वास्थ्य और उसके परिवारजनों के विषय में इतना कुछ सुन रखा था कि उसे प्रतीत हो रहा था कि वह उनसे पूर्व परिचित है। दोनों भाई राहुल के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार से स्नेह सिक्त हो गए। स्वास्थ्य के घर पहुंचने पर बुद्ध ने स्वास्थ्य को भिक्षु समुदाय में सम्मिलित होने और अपने साथ धर्म साधना करने के लिए आमंत्रित किया। 10 वर्ष पूर्व जब वह बुद्ध से पहली बार मिला था, तो उसने बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर धर्म साधना करने का अनुरोध किया था और बुद्ध उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने पर सहमत हो गए थे। अब स्वास्थ्य 21 वर्ष का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आ पहुंचे थे। बुद्ध उसे दिया हुआ अपना वचन भूले नहीं थे। रूपक भैंसों को उनके मालिक रामगुल के घर छोड़ने गया था। बुद्ध स्वास्थ्य की झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी पेड़ पर बैठ गए और अन्य भिक्षु उनके पीछे खड़े हो गए। मिट्टी की दीवार और फूस की छत से बनी स्वास्थ्य की झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उनके भीतर सभी लोग बैठ नहीं सकते। बाला ने स्वास्थ्य से कहा, भैया तुम बुद्ध के साथ जाओ, आज रूपक आपसे भी अधिक तगड़ा है। जब आपने भैंसों की देखरेख करनी आराम की थी और मैं भी अब घर गृहस्थी का काम बखूबी संभाल सकती हूँ। आपने हमारा 10 वर्षों से लालन पालन किया है और अब हम अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में आ गए। वर्षा का पानी जमा करने के लिए रखी पत्थर की कोठारी के पास बैठी भीमा अपनी बड़ी बहन की ओर बिना कुछ बोले देख रही थी। स्वास्थ्य ने भीमा की ओर देखा, वह प्यारी सी छोटी लड़की थी। जब स्वास्थ्य बुद्ध से पहली बार मिला था तो बाला की आयु 6 वर्ष की थी, रूपक 3 वर्ष का था और भीमा तो बस बच्ची ही थी। बाला भाई बहन का खाना बना देती थी और रूपक मिट्टी से खेला करता था। उनके पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में ही स्वास्थ्य परिवार का मुखिया बन गया था। स्वास्थ्य को भैंसों की देखभाल करने और चराने का काम मिल गया था। स्वास्थ्य बहुत परिश्रमी था, इसलिए इतना कमा लेता था जिससे परिवार का पालन कर सके। वह छोटी बहन बीमा के लिए भैंस का दूध भी ले आया करता था। उसकी ओर देखकर शायद स्वास्थ्य उसकी भावनाओं को जानना चाह रहा था। यह समझते ही बीमा मुस्कुराती, वह एक क्षण के लिए तो हिचकिचाई किंतु फिर धीरे से बोली, भैया आप बुद्ध के साथ जाओ। यह कहकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया जिससे वह अपने आंसू छिपा सके। भीमा ने स्वास्थ्य को यह कहते हुए अनेक बार सुना था कि वह बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर साधना करना चाहता है और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाए, किंतु जब वह क्षण वास्तव में आ उपस्थित हुआ तो वह अपने दुख को छिपा नहीं पाई। उसी समय रूपक गाँव से लौट आया। उसने भीमा को यह कहते हुए सुना, बुद्ध के साथ चले जाओ। वह समझ गया कि विदाई का क्षण आ गया है। उसने स्वास्थ्य की ओर देखकर कहा, हाँ भैया आप बुद्ध के साथ जाइए,
सारा परिवार एकदम मौन हो गया। रूपक ने बुद्ध की ओर देखकर कहा, परम आदरणीय, मुझे आशा है कि आप अपने श्री चरणों में अध्ययन करने की अनुमति मेरे भाई को प्रदान करेंगे। मैं भी अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि परिवार का पालन कर सकूं। स्वासी को मौका उसने आंसू बोकर कहा, किंतु भैया कृपा करके बुद्ध से पूछिए कि क्या आप घर आ सकेंगे और समय समय पर हमसे मिलते रहेंगे। बुद्ध उठ खड़े हुए और स्नेह पूर्वक भीमा के सिर के बाल सहलाए, बच्चों अब खाना खाओ, कल मैं आकर स्वास्थ्य को साथ ले जाऊंगा ताकि सभी साथ साथ राजगृह जा सके। मैं और सभी भिक्षुगण बोधि वृक्ष के नीचे आज रात विश्राम करेंगे। बुद्ध ने द्वार पर पहुंचकर मोड़कर स्वास्थ्य को देखा और कहा, कल सवेरे तुम्हें कुछ भी साथ लाने की आवश्यकता नहीं, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वे ही पर्याप्त हैं। उस रात सभी बच्चे बड़ी देर तक जागते रहे। विदा लेते हुए पिता की भांति स्वास्थ्य ने उनको अंतिम परामर्श देते हुए कहा कि तुम लोग एक दूसरे की और घर की देखभाल में जुल कर करना। वह हर एक को बड़ी देर तक अपनी छाती से चिपकाए रहा। आंसू रोकने में असमर्थ रहने पर भीमा जब अपने बड़े भाई की गोद में थी तो सीने से सिर लगाकर सुबह उठी, किंतु उसके बाद उसने अपना सिर उठाया, दीर्घ निश्वास लिया और भाई की ओर देखकर मुस्कुरा दी। वह नहीं चाहती थी कि स्वास्थ्य उसके आंसुओं से दुखी हो। तेल के दिए का धुंधला प्रकाश झोपड़ी में हो रहा था, किंतु इतना प्रकाश तो था कि स्वास्थ्य उसे मुस्कुराता देख सके। स्वास्थ्य को उसका मुस्कुराना अच्छा लगा। अगले दिन सवेरे स्वास्थ्य की मित्र सुजाता उसे विदा करने आई। पिछली शाम को जब वह नदी तट की ओर जा रही थी तो उसने बुद्ध को देखा था और बुद्ध ने कहा था कि स्वास्थ्य अब भिक्षु संघ में सम्मिलित होगा। ग्राम प्रधान की पुत्री सुजाता स्वास्थ्य से आयु में 2 वर्ष बड़ी थी और वह भी गौतम से सबोधि प्राप्ति से पहले मिल चुकी थी। सुजाता ने स्वास्थ्य को जड़ी बूटियों की औषधि बनाकर साथ ले जाने के लिए दी। उनकी संक्षिप्त बातचीत ही हो पाई थी तभी उनके शिष्य आ गए। स्वास्थ्य का भाई और उसकी बहनें पहले ही जाग चुके थे और अपने भाई को विदा देने के लिए तैयार थे। राहु ने प्रेम पूर्वक प्रत्येक भाई बहन से बातचीत की और उन्हें मनोबल पक्का रखने और एक दूसरे की देखभाल करते रहने की प्रेरणा दी। उसने वचन दिया कि जब भी उर्वेला के आसपास आएंगे तो तुम लोगों से मिलने अवश्य आएंगे। स्वास्थ्य के परिवारजन और सुजाता बुद्ध और भिक्षुओं के साथ नदी के तट तक गए और उन्होंने बुद्ध, भिक्षुओं, राहुल तथा स्वास्थ्य को हाथ जोड़कर विदा किया। स्वास्थ्य के मन में हर्ष और भय की भावनाएं भरी हुई थी। यह पहला अवसर था जब वह उरुवेला गांव छोड़कर जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि राजगृह पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। अधिकांश व्यक्ति तेजी से चलते किंतु बुद्ध और उनके भिक्षु धीरे धीरे और परम सहजता से चलते थे। जब स्वास्थ्य ने अपने कदम धीमे किए तो उसका हृदय शांत हो गया। उसने स्वयं को बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति पूर्ण हार्दिकता के साथ समर्पित कर दिया। अब उसका यही मार्ग था। उसने उस भूमि और उन लोगों को जो उसके लिए पूर्णतः परिचित थे अंतिम बार मुड़कर देखा और पाया कि सुजाता और उसके परिवारजन वन के वृक्षों की छाया में मिले हुए छोटे छोटे काष्ठ खंड मात्र दिख रहे हैं। स्वास्थ्य को प्रतीत हुआ कि बुद्ध विचारों का आनंद लेने के लिए ही चलते हैं और इस बात की चिंता ही नहीं करते कि वह कहाँ तक पहुंचेंगे। यही स्थिति सभी भिक्षुओं की थी। कोई भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ना तो चिंतित था और ना अधीर। सभी के पग मंद, संतुलित और शांतिमय थे। ऐसा लगता था मानो सभी सामूहिक रूप से टहल रहे हों। कोई भी क्रांति का भाव अनुभव नहीं करता, फिर भी वे प्रतिदिन खासा लंबा मार्ग तय कर लेते थे। प्रतिदिन वे समीपस्थ गांव में रुकते और भिक्षाटन करते। वे मार्गों पर बुद्ध के पीछे एक पंक्ति बनाकर चलते। उनकी चाल गरिमामय होती और श्वसन क्रिया तथा पग संचरण पर ध्यान केंद्रित रखते। यदि ग्रामवासी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भोजन डालते तो वे रुक जाते। कुछ ग्रामीण तो मार्ग के दूसरे ओर खड़े होकर भी उनका सम्मान पूर्वक नमन करते। भोजन मिलने पर भिक्षु सभी लोगों के कल्याणार्थ प्रार्थना करते। भिक्षाटन समाप्त कर लेने पर वे धीरे धीरे गांव छोड़कर कुछ वृक्षों या घास वाले स्थान को खोजते, घेरा बनाकर बैठ जाते और भिक्षाटन में मिले खाद्य पदार्थों को समान रूप से बांट लेते और ध्यान रखते कि यदि किसी भिक्षु का
भिक्षा पात्र खाली है तो उसे भी भोजन दे दिया जाए। राहुल पास के जाने से एक बड़ा घड़ा पानी भर लाता और सम्मान पूर्वक बुद्ध के सामने रख देता। बुद्ध जब अपने हाथों की अंजुली फैलाते तो राहुल उनके हाथों पर जल डालकर साफ करता। ऐसा ही प्रत्येक भिक्षु के लिए करता। वह अंत में स्वास्थ्य के पास आया। स्वास्थ्य के पास अब तक कोई भिक्षा पात्र नहीं था तो राहुल ने अपने भिक्षा पात्र का आधा भोजन केले के ताजे पत्ते में रखकर अपने नए मित्र स्वास्थ्य को दे दिया। भोजन आरंभ करने से पूर्व भिक्षुओं ने हाथ जोड़े और सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उन्होंने मौन रहकर सचेत भाव से प्रत्येक कौर को ग्रहण किया। भोजन के उपरांत कुछ भिक्षुओं ने चरित ध्यान किया तो कुछ ने बैठकर ध्यान साधना की और कुछ ने थोड़ी सी झपकी ली। जब दिन का सर्वाधिक गर्म भाग बीत गया तो वे फिर मार्ग पर चल पाए और तब तक चलते रहे जब तक यह अंधेरा नहीं हो गया। रात्रि विश्राम के लिए सर्वोत्तम स्थान शांत उल्लासमय वन ही होता है। प्रत्येक भिक्षु का अपना आसन होता था और बहुत से भिक्षु उस पर पद्मासन लगाकर बैठकर आधी रात तक साधना करते रहते, फिर अपना चीवर बिछाकर सो जाते। प्रत्येक भिक्षु के पास दो चीवर होते थे, एक वह शरीर पर धारण करता था और दूसरा वर्षा या शीत से रक्षा करने के लिए रखते। अन्य लोगों की भांति स्वास्थ्य भी ध्यान साधना करता रहा और वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर धरती पर ही सो गया। अगले दिन प्रातः जब स्वास्थ्य जागा तो उसने देखा बुद्ध और अन्य भिक्षु शांत भाव से साधना कर रहे हैं और उनके मुखमंडल से अत्यंत शांति और तेज विकीर्ण हो रहा है। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उठा प्रत्येक भिक्षु ने अपना अतिरिक्त चीवर तय किया, भिक्षा पात्र हाथ में लिया और दिन की यात्रा आरंभ कर दी। दिन में चलते और रात में विश्राम करते वे लोग 10 दिनों में मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। स्वास्थ्य ने पहली बार नगर देखा था। सड़कों के किनारों पर घरों में निवासी बड़ी संख्या में रहते थे और सड़कों पर अश्वचालित वाहन चल रहे थे। हर ओर ऊंची ऊंची आवाजें और ठहाकों के स्वर गूंज रहे थे, किंतु भिक्षुओं का मौन जुलूस उसी प्रकार चल रहा था जैसे वे मौन भाव से वन प्रांत अथवा धान के खेतों से विचरण करते हुए चल रहे थे। कुछ लोग कुछ नागरिक उन्हें देखने के लिए तनिक सा रुकते तो कुछ बुद्ध को पहचान कर उनके सम्मान में श्रद्धा पूर्वक नमन करते। भिक्षु वर्ग उसी प्रकार शांत भाव से तब तक चलता रहा जब तक कि वे नगर के उस पार वेणुवन बिहार नहीं पहुंच गए। समस्त बिहार में त्वरित गति से यह समाचार फैल गया कि बुद्ध लौट आए हैं और कुछ क्षणों में ही 400 भिक्षु बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्र हो गए। बुद्ध ने अधिक कुछ नहीं कहा, केवल सभी की कुशल क्षेम और साधना अभ्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य को सारी पुत्र को सौंप दिया जो राहुल के सभी आध्यात्मिक गुरु थे। सारी पुत्र वेणुवन बिहार के स्वामियों के गुरु थे और वह लगभग 50 युवक स्वामियों के साधना अभ्यास का मार्ग निर्देशन करते थे। ये स्वामी बिहार में 3 सालों से कम समय से आए हुए थे। बिहार के प्रबंधाचार्य कौंडन नामक एक भिक्षु थे। राहुल से कहा गया कि वह बिहार जीवन के आचरणों की जानकारी स्वास्थ्य को दे, यथा कैसे चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार खड़े होना है और कैसे अन्य लोगों को नमन करना है, किस प्रकार चरित ध्यान करना है, कैसे बैठकर धारणा ध्यान करना और कैसे श्वसन क्रिया प्राणायाम पर ध्यान करना। उसने स्वास्थ्य को यह भी बताया कि भिक्षु को चीवर कैसे धारण करना है, कैसे भिक्षा पात्र पकड़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे अपना भिक्षा पात्र साफ करना है। 3 दिनों तक स्वास्थ्य लगातार राहुल के साथ ही साथ रहा जिससे वह इन सब बातों को भरी प्रकार सीख ले। राहुल ने स्वास्थ्य को पूरे मनोयोग से सभी आचरण निर्देश बताए समझाए, किंतु स्वास्थ्य समझता था कि ये सब कार्य सहज स्वाभाविक रूप से करने लगने के लिए उसे अभी बरसों अभ्यास करना होगा। इन आधारभूत मार्ग निर्देशों के बाद सारी पुत्र ने स्वास्थ्य को अपनी कुटिया में बुलाया और भिक्षु द्वारा अपनाए जाने वाले सीलों की रक्षा शिक्षा दी। भिक्षु वह होता है जो गृह त्याग कर बुद्ध को, गुरु धर्म को, आत्म जागृति का मार्ग और संघ को ऐसे समुदाय के रूप में स्वीकार करता है जो सद्धर्म मार्ग पर चलने में एक दूसरे को सहायता देता है। भिक्षु का जीवन सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण होता है। भोजन के लिए भिक्षाटन करने से अहंकार शून्यता आती है। भिक्षाटन अन्य लोगों के साथ संपर्क साधने का एक माध्यम भी होता है जिससे उन्हें यह समझने में सहायता की जा सके कि प्रेम और सौहार्द प्रज्ञा का मार्ग क्या है। उनकी शिक्षा
बुद्धदेव जिसकी शिक्षा बुद्धदेव सबको देते हैं। 10 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य और उसके मित्रों ने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को यह देशना करते सुना था कि आत्म जागृति का मार्ग ही प्रेम और प्रज्ञा का मार्ग है। इसलिए सारिपुत्र ने स्वास्थ्य को जो कुछ कहा उसे वह अच्छी तरह हृदयंगम कर सका। यद्यपि सारिपुत्र का मुखमंडल गंभीर था किंतु उनकी आंखों और मुस्कान में अपार प्रेम और करुणा का तेज भी था। उन्होंने स्वास्थ्य से कहा, शीघ्र ही एक दीक्षा समारोह होगा जिससे उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित करने के लिए प्रवज्ञा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उस अवसर पर क्या क्या शब्द उच्चारण करने हैं। सारिपुत्र ने स्वयं ही दीक्षा समारोह की अध्यक्षता की जिससे 20 भिक्षुओं ने भाग लिया। उस अवसर पर बुद्ध और राहुल भी उपस्थित थे जिससे स्वास्थ्य को विशेष प्रसन्नता हुई। सारिपुत्र ने मौन भाव से एक गाथा मन ही मन पढ़ी और स्वास्थ्य के सिर के बालों के कुछ गुच्छे काटे। फिर उन्होंने वह उस्तरा राहुल को दे दिया जिसने स्वास्थ्य के सिर का पूर्ण मुंडन कर दिया। सारिपुत्र ने स्वास्थ्य को 3 चीवर, 1 भिक्षा पात्र और 1 घड़ा दिया। राहुल ने उसे सिखा ही दिया था कि चीवर कैसे धारण करना है, इसलिए स्वास्थ्य ने बिना कठिनाई के चीवर धारण कर लिया। वह बुद्ध तथा उपस्थित अन्य भिक्षुओं के समक्ष अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रणत हुआ। बाद में उस दिन प्रातः उसने पहली बार प्रवज्जित भिक्षु के रूप में भिक्षाटन किया। बेरोवन बिहार के भिक्षु कई दलों में विभक्त होकर राजगृह में भिक्षाटन करते थे। स्वास्थ्य जिस दल में था उसके नेता सारिपुत्र थे। बिहार से भिक्षाटन के लिए निकलते समय कुछ पग चलकर स्वास्थ्य ने स्वयं को अलग दिखाया कि भिक्षाटन सत्धर्म के मार्ग की साधना का एक अंग है।